हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल समृद्धि मिथिला कला। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं ये एक फुल हैंडमेड पेपर है और इसका साइज़ है 13x22 इंचेस। और आप जैसा देख रहे हैं, मैंने बॉर्डर बनाने के बाद इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। और साइड में जो बॉर्डर है वो एकदम सिंपल बॉर्डर है, पतले बॉर्डर्स में मोती पैटर्न है और लीफ पैटर्न में एक कली जैसा शेप दिया है मैंने, और कचनी की है जो कि पूरी ब्लैक कलर से ही है। इनमें जो मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें हर एक पार्ट में मैं आपको एक अलग थीम वर्क करके दिखाऊंगी, जिसमें मैं रामायण के 4 सीन ड्रॉ करने वाली हूँ। फर्स्ट में मैं केवट का जो प्रसंग है वो ड्रॉ कर रही हूँ। अभी आप मुझे कलर बनाते हुए देख पा रहे हैं, ये एक्रेलिक कलर है। मैंने ब्लैक कलर की 4 ड्रॉप्स ली हैं और उसमें 1 ड्रॉप वाटर मिक्स किया है। और अभी ये 000 के ब्रश से मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ राम जी की बॉडी की शेप का। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम केवट प्रसंग बनाने वाले हैं, जिसमें केवट को हम श्री राम प्रभु के पैर धोते हुए दिखाएंगे और केवट की पत्नी को उनके साथ खड़ा, और राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को उनके पीछे, राम जी के पीछे खड़ा दिखाएंगे हम। और इसकी स्टोरी के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि मैं जो फिगर ड्रॉ कर रही हूँ उसे मैंने बैठे हुए पोस्चर में ड्रॉ किया है। ये श्री राम बना रही हूँ मैं, और वो अपने दाहिने हाथ से केवट और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दे रहे हैं और बाएं हाथों में उन्होंने धनुष पकड़ा हुआ है, जो कि राम अवतार की पहचान की तरह है। जैसे जब हम कृष्ण अवतार बनाते हैं तो बांसुरी हम ज़रूर बनाते हैं, वैसे ही जब हम राम अवतार बनाते हैं तो हम उनके हाथ में उनका आयुध जो कि धनुष है वो ज़रूर बनाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है और इसमें मैं 4 थीम जो है वो ड्रॉ करूँगी। फर्स्ट थीम में हम केवट को श्री राम के पैर धोते हुए बनाएंगे, दूसरी थीम में हम केवट को उन्हें गंगा पार करते हुए बनाएंगे, और उसके बाद वाली थीम में मैंने सोच रखा है कि मैं जो स्वर्ण रूपी हिरण जो था उसे सीता जी को, राम जी को लाने के लिए कहते हुए वो बनाऊंगी, और लास्ट में फिर सीता हरण का सीन ड्रॉ करूंगी मैं। इसमें ये 4 थीम कवर करेंगे हम लोग, और हम कोशिश रखेंगे कि हमारा जो ये डिवीज़न है पेपर का, इसका लगभग मोर देन 80-90% जो है वो हमारा फिगर कवर है। तो हमारे राम जी का जो फिगर है वो अब कंप्लीट हो चुका है, और बाद में ड्रेस में जो है हम डिज़ाइनिंग का वर्क करेंगे। अभी हमने उन्हें पत्थर की एक शिला पर बैठे हुए बनाया है, और उनके पैरों के नीचे हमने एक बर्तन बनाया है जिसे कठौता कहते हैं। और जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ वो मैं केवट का फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि नीचे बैठे हैं और कलश में गंगा जल लेकर वो उससे जल गिराते हुए भगवान श्री राम के पैरों को धो रहे हैं। तो क्योंकि वो नीचे बैठे हुए हैं इसीलिए हम उन्हें इतना नीचे से ड्रॉ कर रहे हैं, और हम उन्हें पालथी मार के बैठा हुआ बनाएंगे, और जो कलश आप देख रहे हैं उससे जल गिरता हुआ सा मैंने ड्रॉ किया है। अभी केवट का फिगर कंप्लीट होने के बाद हम उनकी पत्नी को उनके पीछे खड़ा दिखाएंगे, तो सामने फेस और जो अपर बॉडी है वो हमें दिखाई देगी, और कमर से नीचे का जो पोर्शन है वो हम कुछ उसका प्रतिशत बनाएंगे, और कुछ प्रतिशत ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो केवट के पीछे होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बारे में कहानी है इस प्रकार से कि जब भगवान राम वनवास को जा रहे थे अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ, तो उन्हें गंगा पार करनी थी, जिसके लिए केवट जो कि एक नाविक था उन्होंने उसे कहा कि हमें गंगा पार करनी है, आप हमें गंगा पार करा दीजिए। तो केवट क्योंकि जानते थे कि भगवान राम जो है वो मनुष्य रूप में भगवान हैं, विष्णु का अवतार हैं, तो उन्हें उनका पैर धोना था, तो उन्होंने सोचा कि अगर डायरेक्ट वो उनसे कहेंगे कि मुझे आपके पैर धोने हैं तब तो वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि सभी लोग सम्मानित हैं, तो अब वो उनका पैर कैसे धोएं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने एक कहानी सुनी है कि
कि आपने अपने पैरों की धूल लगाई तो एक पत्थर की शिला जो है वो एक सुंदर नारी बन गई जिसे सारा संसार अहिल्या के नाम से जानता है। तो अगर आपके पैर में धूल लगी रहेगी और आप मेरी नाव पर चढ़ेंगे, अगर मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो फिर मैं दो दो पत्नियां लेकर क्या करूँगा, और फिर मैं मेरी जो कमाई का साधन है वो तो स्त्री बन जाएगा, तो फिर मैं कमाऊँगा क्या और खाऊँगा क्या। तो भगवान राम ने कहा कि तो इसके लिए क्या उपाय है, क्योंकि गंगा तो हमें आप ही पार कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं आपके पैरों को मलमल के गंगा जल से साफ करूंगा, आपके पैरों में से धूल कण की एक एक कण को निकाल दूंगा और उसके बाद उस जल को पी के देखूंगा। अगर जल पीने के बाद मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता, मुझे किसी जादू टोने का प्रभाव नहीं लगता, तो मैं आपको अपनी नैया पर चढ़ाऊंगा। भगवान राम जानते थे कि केवट जो है केवल उनका पैर धोना चाहते हैं, कृतज्ञ होना चाहते हैं, इसीलिए ये बहाने बना रहे हैं, पर वो अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, इसीलिए वो सहज तैयार हो गए कि केवट उनके पैर धो सकते हैं। तो केवट बड़ी ही भावुकता के साथ उनके पैर धो रहे हैं और उनकी पत्नी जो है वो प्रभु को प्रणाम कर रही हैं। तो हमने उनकी पत्नी का फिगर ड्रॉ कर लिया है और अभी जो मैं बना रही हूँ वो माता सीता बना रही हूँ। मैंने उन्हें अपना घूंघट पकड़े हुए बनाया है, माता सीता क्योंकि बहू हैं इसीलिए वो घूंघट लिए हुए हैं, और इनके पीछे जो बहुत कम स्पेस हमारे पास बचा है उसमें मैं लक्ष्मण जी को ड्रॉ करूँगी। तो हम उनका केवल चेहरा और कुछ ही बॉडी पार्ट दिखा पाएंगे, बाकी ऐसा प्रतीत होगा जैसे सीता जी क्योंकि फ्रंट में खड़ी हैं इसीलिए लक्ष्मण जी नहीं दिखाई दे रहे। वैसे भी लक्ष्मण जी हमेशा अपने भाई और भाभी के पीछे ही रहते थे, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। तो सीता जी का भी जो फिगर है वो हमारा ड्रॉ हो चुका है, हम उन्हें कुछ ऑर्नामेंट्स पहना रहे हैं और उसके बाद जो है मैं यहाँ पीछे लक्ष्मण जी को ड्रॉ करूँगी। फ्रेंड्स, ये जो फिगर हमने बनाया है अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पेपर का जो पोर्शन है उसका मोर देन 75% हमारा जो फिगर है वो कवर कर चुका है, और अब बची हुई जगह पे मैं गंगा जी बनाऊंगी और थोड़ा सा जो किनारा है जहाँ पर ये सारे लोग बैठे और खड़े हैं उसे हम थोड़ी दूर में धरती बनाएंगे। तो यूँ आप देखेंगे कि ये पूरा फिगर कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत कम जगह रह गई है, तो हम इस प्रकार से लक्ष्मण जी को बनाएंगे कि उनकी शरीर का बहुत कम ही हिस्सा हमें विजिबल होगा, लेकिन वो देखने से ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो अपने भैया और भाभी से पीछे खड़े हैं। और हमारा जो पोस्टर का जो लगभग अधिकतर एरिया है वो हमारे फिगर्स से जो है वो कवर हो चुका है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूँ कि हमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसे ही ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देना होता है, और फिर जो जगह बचती है बस उसी एरिया में हमें बैकग्राउंड बनाना होता है। अगर हमारा फिगर छोटा होगा तो हमें बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, और जब हमारा पोस्टर कंप्लीट होता है तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड ज़्यादा हाइलाइटेड हो जाता है और सब्जेक्ट जो है वो फीका पड़ जाता है। इसीलिए हमें अपने फिगर को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में को कवर करते हुए बनाना होता है। अभी इनमें हमने जो लाइन वर्क हमारा था, जो फिगर बनाने का जो हमारा वर्क था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी के बालों में हमने कलर कर लिया है। अब कुछ लाइनिंग्स के बाद हम यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड है उसमें एक सीनरी बनाएंगे जिसमें हम ऊपर पेड़ बनाएंगे और गंगा जी को भी बनाएंगे, तो आप अभी वो बनाते हुए मुझे देख पाएंगे। फ्रेंड्स, आप में से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं जिनकी मांग थी कि मैं रामायण बेस्ड जो है सब्जेक्ट्स बनाऊँ, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर मैंने ये थीम्स जो हैं बनाना स्टार्ट किए हैं। आई होप कि आप सभी को ये थीम बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो इस वीडियो को तो अंत तक देखिएगा ही, इसकी आने वाली जो नेक्स्ट जो इसके पोर्शन में मैं जो थीम बनाऊंगी
उनके वीडियोस भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। आप सारे वीडियोस को ज़रूर देखें, हो सके तो साथ में बनाने की कोशिश ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई राय हो तो हमेशा की तरह मैं कहूंगी कि अगर आपकी कोई भी राय हो तो मेरे साथ अवश्य शेयर करें। मुझे ये समझने में बहुत आसानी होती है कि आप मुझसे और क्या सीखना चाहते हैं और क्या मैं आपको बेहतर तरीके से सीखने में मदद कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ऊपर पेड़ बनाएंगे, तो हमने केवट जी की पत्नी के पीछे से एक पेड़ का तना बनाया है और अब इसमें मैं डालियाँ बना रही हूँ जिसमें हम खूब घने पत्ते ड्रॉ कर देंगे और ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा कवर हो जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं मैंने एक वेव पैटर्न बनाया है जहाँ पे कुछ एरिया में हम वेव पैटर्न्स को बनाएंगे जिससे गंगा जी बहती हुई प्रतीत हो। फ्रेंड्स, ये जो पत्ते मैंने ड्रॉ किए हैं इनके बीच में मैंने एक लाइन देकर इन पत्तों को पार्टीशन में बांटा है। इसके एक साइड में मैं ब्लैक कलर से कचनी कर रही हूँ और एक साइड में जब हम कलर से वर्क करेंगे तो मैं उसे ग्रीन कलर से फिल करूँगी। तो इसीलिए अभी आप मुझे एक साइड में कचनी करते हुए देख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं ये 000 के ब्रश से बना रही हूँ, तो मैंने आउटलाइनिंग और कचनी वर्क दोनों ही सेम ब्रश से ही किए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम गंगा जी की लहरें बनाने के बाद तट का कुछ एरिया बनाएंगे, तो अभी जो आप मुझे बनाते हुए देख रहे हैं वो मैं छोटी छोटी पत्थर की शिलाएं बना रही हूँ जिसमें हम छोटे बड़े हर साइज़ का पत्थर बना रहे हैं। जैसा कि हमें से हर कोई जानता है कि नदियों के किनारों पर हमेशा रेत और पत्थर होते हैं, तो हमने उसी टाइप का कुछ जो है सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। मैंने किनारे पर छोटे छोटे पत्थर बनाए हैं और थोड़ी दूरी पर कुछ अलग अलग साइज़ के पत्थर भी ड्रॉ किए हैं। कलरिंग के टाइम में हम इसमें ग्रे कलर फिल करेंगे। तो तैयार होने के बाद हमारा पोस्टर कुछ ऐसा दिख रहा था और अब हम इसमें कलर वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैं लाइन वर्क करूँगी, भरनी का काम हम लोग इसमें बहुत कम करेंगे, टोटल लाइन वर्क होगा। तो अभी आप मुझे देख रहे हैं मैं केवट की पत्नी की साड़ी को वर्क कर रही हूँ जिसमें मैंने एक रेड कलर की थिक आउटलाइनिंग की है और अब स्ट्रेट 3 लाइन कचनी करने के बाद सेंटर में फिर हम वर्टिकल कचनी करके इसे भर देंगे और ऐसा मैं उनके पूरे के पूरे ड्रेस को इसी पैटर्न के साथ वर्क करके कलर करूँगी। ऐसे ही हम भगवान राम और सीता जी के कपड़ों में भी कुछ पोर्शन रेड बनाने के बाद हम ऑरेंज कलर का वर्क करेंगे। ऐसे तो हम उन्हें वनवासी बना रहे हैं तो हमें पूरा ऑरेंज कलर बनाना हो चाहिए, लेकिन क्योंकि ये फाइन आर्ट नहीं है, ये हमारा फोक आर्ट है, तो हम इसमें जो है कुछ कलर वेरिएशंस दिखा रहे हैं। मैं रेड और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के कपड़ों को बनाऊँगी और ब्लैक से तो मैंने काम किया ही है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि हमने कहीं पर भी भरनी का वर्क नहीं किया, कचनी के पैटर्न्स को ही यूज़ करते हुए हमने केवट की पत्नी के पूरे ड्रेस में वर्क किया है। ऐसे ही जब मैं गंगा जी बनाऊंगी तो वहाँ पे भी हम फिलिंग का वर्क नहीं करेंगे, लहरों में भी हम लाइन पैटर्न ही यूज़ करेंगे और ऐसे ही हम पूरे फिगर को या पूरे थीम को कलर करने वाले हैं। पहले मैं रेड कलर का वर्क कम्प्लीट कर लूँगी और फिर उसके बाद ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन इन सारे कलर्स का भी यूज़ करूँगी। हमने क्योंकि भगवान राम को रुद्राक्ष पहने हुए दिखाया है तो हम उन सारे जो हमने ये सर्कल्स बनाए हैं छोटे उनमें हम ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे। हमने जो कठौता बनाया है हम उसे भी ब्राउन कलर का बनाएंगे क्योंकि पहले कलश और कठौते दोनों लकड़ी के ही बनाए जाते थे,
तो लकड़ी के लिए हम ब्राउन कलर यूज़ करते हैं, तो इसीलिए उन सारी जगहों पे मैं ब्राउन कलर ही यूज़ करूँगी। अभी मैं सीता माँ के कपड़ों को जो है कलर कर रही हूँ, जिसमें जहाँ जहाँ मुझे रेड कलर यूज़ करना है वो कर रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर जब मैं ऑरेंज कलर का वर्क स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं ऑरेंज कलर का यूज़ करके उनके ड्रेस को पूरा कंप्लीट करूँगी। सीता जी के आंचल में मैं ऑरेंज कलर से भरने का वर्क कर रही हूँ, और उनके लहंगे पे और जो आंचल उनके शरीर पे हमने बनाया है उसमें फिर हम हाफ कचनी और हाफ भरनी और डबल कचनी का ही यूज़ करेंगे और उसी के थ्रू उसे फिल करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं उनके आंचल में मैंने पहले साइड में एक थिक लाइनिंग की है जिसे हम हाफ भरनी कहते हैं, और उसके बाद डबल कचनी से पूरे पोर्शन को मैंने फिल किया है, और सेम ऐसा ही मैं उनके स्कर्ट पोर्शन में भी करूँगी। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था, हमने ब्राउन कलर का यूज़ पेड़ में किया है और रुद्रांक्ष बनाने में किया है, और अभी आप मुझे देख पा रहे हैं मैं गोल्डन येलो कलर से नीचे का जो बैकग्राउंड है उसे मैं फिल कर रही हूँ। पहले हम लोग यहाँ फिलिंग का वर्क कर लेंगे, और बाद में जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं उसमें ब्राउन कलर से छोटे छोटे सर्कल्स बनाऊँगी। अभी वो जब तक ड्राई हो रहा है तब तक मैं ऊपर ग्रीन कलर की फिलिंग, जो जैसा मैंने आपको बताया था कि पत्तों के हाफ पोर्शन में मैं ग्रीन कलर से फिलिंग करूँगी, तो ये लाइट ग्रीन कलर है जिससे मैं पत्तों के हाफ पोर्शन में फिलिंग का वर्क कर रही हूँ, और इस कलर से मैं कुछ ड्रेस में भी कलर करूँगी, जैसे कि केवट जी की पत्नी के ब्लाउज़ में, और उनके आँचल को भी मैं, केवट जी का जो गमछा है उसे भी मैं ग्रीन कलर से ही कलर कर रही हूँ। और इसमें भी हमने लाइन वर्क किया है थिक आउट लाइनिंग के बाद, और जैसा कि मैंने बोला था कि ड्राई होने के बाद हम उस पर ब्राउन कलर से वर्क करेंगे, तो अब ये जो येलो कलर मैंने भरा था वो ड्राई हो गया, और उस पर मैंने ब्राउन कलर से छोटे छोटे सर्कल्स बना के पूरे पोर्शन को फिलअप कर दिया है। और अब मैं गंगा जी की लहरें बना रही हूँ, जिसमें मैं लाइन्स के थ्रू वेव पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, और जो मैंने डबल लाइनिंग की थी उसमें मैंने डीप ब्लू से पहले भरनी का वर्क किया, और उसके बाद उसमें थोड़ा वाइट कलर मिलाने के बाद जो लाइट ब्लू बना है उससे मैं वेव पैटर्न बना रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो पत्थर हमने ड्रॉ किए हैं उसे मैं ग्रे कलर से कलर करूँगी, तो बहुत सारे वाइट कलर में थोड़ा सा ब्लैक
मिक्स करने पर ये ग्रे शेड बनता है, जिससे अभी आप मुझे पत्थरों को और राम जी जिस शिला पर बैठे हैं उसे कलर करते हुए देख पा रहे हैं। और ये लाइट शेड कलर करने के बाद मैंने फिर से उसी कलर में थोड़ा सा और ब्लैक कलर मिलाया, जिससे एक डीप शेड तैयार हुआ है। और अब मैंने एक थिक आउट लाइनिंग की है छोटे पत्थरों की, और जिस शिला पे राम जी बैठे हुए हैं वहाँ पे जो भी वाइट पोर्शन हमारा बचा हुआ है उसमें मैं इसी डीप ग्रे कलर को कलर कर रही हूँ, और उससे हमारा ये पूरा एरिया फिल हो गया है और एक पत्थर जैसा जो लुक आता है वो अब आने लगा है। फ्रेंड्स, अब मैंने जो ऑरेंज कलर है हमारा उसमें गोल्डन येलो मिलाया है। 30-40% गोल्डन येलो मिलाने के बाद ये शेड आया है जिसे मैं आकाश में भर रही हूँ। और ये कंप्लीट करने के बाद जो हमारा ये थीम है वो पूरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये थीम वर्क और ये जो मेरा काम था इसे बनाने का, जो मेरा तरीका है, वो आपको पसंद आया है। आप इसे ज़रूर बनाएं, मेरे साथ अपने जो विचार हैं वो ज़रूर शेयर करें। अभी मैं इसे ऊपर जो भर रही हूँ, और ये कंप्लीट करने के बाद खाली जगहों पे भरने के बाद जो पेड़ में पत्तों के बीच में जो गैप है उन वाइट पोर्शंस में भी मैं इस वर्क को करूँगी। और ये कंप्लीट होने के बाद अब कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो इसे ज़रूर बनाएं और अपने जो राय है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पोस्टर के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पेंटिंग बनाते रहें।